आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर औरैया से। कुछ आरजीओ के द्वारा तोड़ी गई बाबा साहब की प्रतिमा, एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं औरैया से। बाबा साहब की मूर्ति को फिर तोड़ दिया गया है। इस तरह की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत घटित हो रही हैं, जहां लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग बहुत संख्या में यहां इकट्ठे हो गए हैं और बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बाबा साहब की मूर्ति जो बहुत ही सम्मानित स्थिति में लगी हुई थी और किसी अराजक तत्वों द्वारा ये मूर्ति तोड़ दी गई है और यहाँ के लोगों में किस तरह से आक्रोश है और सरकार के द्वारा जो शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पुलिस भी मौजूद है और एसडीएम साहब आए थे तो मैं यहाँ से स्थानीय लोगों से जानकारी करना चाहूँगा कि एसडीएम साहब ने क्या बोला है। एसडीएम साहब ने कहा है कि आपकी मूर्ति नहीं लगेगी और इसके बाद शांति रखे सब लोग, शासन की व्यवस्था है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी से हो सकता है तो मूर्ति नहीं लगाई दी जाएगी आज ही। आप यहाँ पे स्थानीय आपकी देख रेख में है? हाँ, ये हमारी देख रेख में। तो आपको क्या लगता है किन लोगों द्वारा ये जो गंदा काम किया गया, किन लोगों द्वारा किया गया? ये रात को अज्ञात लोगों ने किया है जी, किसी कोई जानकारी नहीं है जी, क्योंकि हम लोग उधर सो रहे थे जी छाया में। तो कोई आवाज़ वगैरह आपको प्रतीत हुई? कोई आवाज़ नहीं हुई। अच्छा, डीजे की आवाज़ में मतलब ये काम किया गया? डीजे उधर बज रहा था, उनका क्या कहाँ फंक्शन हो रहा क्या पता, हमें उससे क्या परेशानी। तो यहाँ के लोगों को जो जिस तरह देख रहे हैं आप, तो यहाँ आपको मतलब किसी पे शक हुआ? हमें किसी पे शक हुआ नहीं, जब देखा नहीं है जी। अभी आप एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम ने ये कहा है कि हम यहाँ पर दूसरी मूर्ति स्थापित करवा देंगे जी। तो और ये लोगों की डिमांड भी है जी कि मूर्ति दूसरी लगाई जाए, खंडित मूर्ति नहीं लगेगी जी। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ग्राम बिरूनी जो थाना अजीतमल के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और खंडित करके देख रहे हैं आप किस तरह से इस तरह की पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बाबा साहब की जगह जगह आप देख रहे हैं मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी गुस्सा जो लोगों की है वो बाबा साहब की मूर्ति पर ही दिख रही है। इस तरह की मूर्तियों को तोड़ना कहाँ का ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये किन लोगों का काम हो सकता है? ये तो अज्ञात लोगों का है, शायद जिन लोगों को परेशानी है जी। तो मूर्ति से क्या परेशानी? मूर्ति इस परेशानियों में ये है कि सारे संवैधानिक अधिकार यहाँ के दलित वर्ग को दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि जितनी मूर्ति तोड़ी जा रही है उतनी लोग मजबूत हो रहे हैं संघर्ष के लिए? संघर्ष के लिए मजबूत हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष हो रहा है जी, समाज लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के आगे हम कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। तो शासन प्रशासन में मदद नहीं करता? शासन प्रशासन मदद करता है, लेकिन कहीं विपक्ष भी चला जाता है। शासन का दबाव होता है, प्रशासन काम करता है। तो शासन उसी का होता है, प्रशासन उसी का होता है जिसका शासन होता है। तो आप देख रहे हैं वर्तमान में जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों को, जिस तरह से अभी आपने देखा कि रविदास मंदिर को तोड़ा गया, ये कोशिश समझी साजिश के तहत होता है या संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर होता है? संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर तो नहीं है, संविधान किसी को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। संविधान तो जोड़ता है पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए कानून दिया गया है, तो उसके तहत लोग आ गए संविधान को ताक पर रख करके ऐसा कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के यहाँ पे जो स्थानीय भंते जी हैं, जो यहाँ वर्तमान में नहीं काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनको कोई इस संदर्भ में पता नहीं कि ये मूर्ति किनके द्वारा तोड़ी गई है और तोड़ने के बाद वो पता नहीं चला कि ये किनके द्वारा तोड़ी गई और कितने लोग थे और कितने समय पर तोड़ी गई है, इसलिए ये जो है नाम भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किनके द्वारा ये मूर्ति तोड़ी गई है। लेकिन ये जो मूर्ति तोड़ी गई है ये निश्चित ही सोची समझी साजिश के तहत मूर्ति तोड़ी गई है और यहाँ के स्थानीय लोग नहीं बल्कि यहाँ के क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित हैं और भीड़ को देखते हुए लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब की आज मूर्ति को तोड़ा गया है ये बहुत ही असंवैधानिक कार्य है और यदि दोषी पकड़े जाएं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी यहाँ के लोगों की मांग है।